बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिन भी स्टूडेंट का फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन था, उन सारे स्टूडेंट का इन प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है। तो आज किस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कौन कौन सा स्टूडेंट का इन प्रोसेस हुआ, अगर आप लोगों के इन प्रोसेस नहीं हुआ तो आप लोगों को कब तक इन प्रोसेस हो जाएगा, साथ में आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक ट्रांसफर किया जाएगा। आज किस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर, साथ में ये वीडियो कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखने के बाद आप लोगों को लास्ट में ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को किस डेट से किस डेट के बीच में आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मैं देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए एक स्टूडेंट वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसका इन प्रोसेस हुआ। यही वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी नहीं, बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी जैसे जेपी यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, बी एन मंडल यूनिवर्सिटी, तिलक मांझी यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, यानी इग्नो के स्टूडेंट है, तो उसके लिए बिहार में जितने भी स्टूडेंट है, अगर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के स्टूडेंट है या आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उन सारे स्टूडेंट का जो है आप लोगों को इन प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों का इन प्रोसेस की बात करें तो आप लोगों का 5 अक्टूबर 2024 यानी 5 अक्टूबर 2024 तक आप लोगों का इन प्रोसेस होगा। जिन भी स्टूडेंट का आज हो गया ठीक है, अगर आप लोगों का इन प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप लोगों को 5 अक्टूबर 2024 तक इंतजार करना है। आप लोगों को 5 अक्टूबर 2024 से पहले सारे स्टूडेंट का इन प्रोसेस हो जाएगा, साथ में आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक ट्रांसफर किया जाएगा उससे पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप लोग जाकर आसानी से वहां पर भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जैसे बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों को वीडियो बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, साथ में मेरे ग्रुप के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अब बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल रहता है कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो कॉन्टैक्ट हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पर कॉन्टैक्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट को इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आप लोग फॉलो नहीं करते तो कोई भी रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। अब आप लोगों को एक सवाल होगा कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में इन प्रोसेस होने के कितना दिन बाद आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, तो आप लोगों को बैंक अकाउंट में जो है आप लोगों को 4 अक्टूबर 2024 कितना 4 अक्टूबर 2024 से लेकर आप लोगों को 8 अक्टूबर 2024 के बीच में सारे स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में ए टू जेड रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी जिसका जैसे इन प्रोसेस होगा उसको वैसे ही बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। मान लीजिए जिस भी स्टूडेंट का आज के डेट में इन प्रोसेस होगा उसको जो है 4 अक्टूबर से आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। जैसे जिन स्टूडेंट को कल होगा इन प्रोसेस उसको एक दिन बाद आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। यानी जिसका जो है आप लोगों को कल के डेट में इन प्रोसेस होगा उसको 5 अक्टूबर को ट्रांसफर किया जाएगा। इसी प्रकार जिसका 5 अक्टूबर तक आप लोगों को इन प्रोसेस होगा उसको 8 अक्टूबर तक आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता दूं, इसके बावजूद अगर कोई डाउट है प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, साथ में पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।